यहाँ पर अपने को टायर मिल गया है। ये वाला है C8 का टायर है जो कि इंटरसेप्टर में लगेगा। मैंने एक डोमिनार का भी ले लिया है जो कि इसकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। कम से कम चल तो जाएगा। तो एक ये भी हो गया। तो भाई आज वो दिन आ गया है जिसके अलॉय चेंज होने हैं। भाई टाइम नहीं मिल पा रहा। ये देखो भाई, ये यहाँ से पूरा क्रैक हो चुका है। यहाँ से आफ्टर मार्केट अलॉय का ये हाल है भाई, समझ जाओ। सिर्फ एक गड्ढे ने कराए। निकालते हैं भाई इसको और वॉशिंग भी करानी है इसकी। तो भाई अब लॉयल मैकेनिक के पास इसका अलॉय चेंज कराने के लिए। वो रहा टायर और वो रहा अगले वाला, तो साथ के साथ दोनों ही चेंज करा दूंगा मैं। भाई पूरे के पूरे 1.5 घंटे लग गए इसको सेट करने में। और अपना पुराने वाला टायर और ये नया टायर है, बस अब अगले का काम और बचा है, ये और कर देते हैं। फटाफट कर दो अब। तो भाई अभी अपन अगला टायर निकाल रहे हैं, ये अगला रियर इसकी ट्यूब, इसका टायर निकाल के बस इसमें फिट करना है। बाइक वहाँ खड़ी हुई है, फिट करने के बाद दिखाते हैं बाइक कैसी लग रही है। देख रहे हो भाई, तीन तीन चाबियाँ हैं, संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। और ये अगला टायर और ये मेरी स्कूटी, परेशान हो गया भाई। तो भाई बाइक अपनी रेडी हो चुकी है, स्पोक व्हील लग चुके हैं दोनों के, ये हमारे अलॉय व्हील दोनों उतर गए। टायर देखो, टायर की कंडीशन एक बारी यहाँ से देखो, क्या हालत हुई है भाई टायर का। बैंड बजी हुई भाई टायर की, तो फिर ये लीजिए। तो अभी मैंने जो टायर डलवाया वो है डलवाया C8 का, जो कि स्टोक आता है 2022 मॉडल में। C8 के टायर लग कर आ रहे हैं, आगे पिरेली है, पीछे C8 है। चलो यार, कुछ एक काम तो हुआ अपना कंप्लीटेड, डन। इसको घर खड़ी कर देते हैं। तो भाई पिछले टायर निकलवाया मैंने, पिछले अलॉय के टायर में, तो भाई ये पूरा क्रैक हो चुका है। अब ना तो इसमें वेल्डिंग होगी ना ये ठीक होगा। और फ्रंट वाला, चलो घर ले चलते हैं।